यानी कि कोई भी व्यक्ति जो आपके घर में काम करता है या आपके घर के सारे काम करता है आपकी सेवा करता है जैसे कि खाना बनाता है या सफाई करता है तो उसको हम नौकर सेवक दास या चाकर कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में सर्वेंट बोलते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है सरकार या फिर जनता के लिए काम करता है तो उसको हम सेवक कर्मचारी या लोक सेवक भी कह सकते हैं जिसको हम इंग्लिश में सर्वेंट बोलते हैं नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे His servant is trustworthy. उसका नौकर भरोसेमंद है एनी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट इनकरेज करप्शन किसी भी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए लेट्स रीकैप सर्वेंट का मतलब नौकर सेवक दास चाकर कर्मचारी या लोक सेवक होता है सर्वेंट मीन्स एनी पर्सन हु वर्क्स इन योर हाउस होल्ड और एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपके घर में काम करता है या कोई भी व्यक्ति जो सरकार द्वारा नियोजित है यानी कि कोई भी व्यक्ति जो आपके घर में काम करता है आपके घर का सारा काम करता है या आपकी सेवा करता है जैसे कि खाना बनाना हो गया या सफाई करना हो गया तो उसको हम नौकर सेवक दास या फिर चाकर कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में सर्वेंट बोलते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है सरकार या फिर जनता के लिए काम करता है तो उसको हम कर्मचारी या फिर लोक सेवक भी बोल सकते हैं जिसको हम इंग्लिश में सर्वेंट बोलते हैं